आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक क्वेश्चन है हमारे पास। इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, ए स्मूथ इंसुलेटिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद अ बीड हैविंग चार्ज क्यू, मास एम, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वी नॉट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो। द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम एस बी टी इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द रिंग एंड बीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज, ठीक है। एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक रिंग है, वो एक ऐसे प्लेन में से पड़ी हुई है, ग्रेविटी फ्री प्लेन है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस भी, स्पेस में और कहीं ग्रेविटी भी नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है, सपोज हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट मान लें और वाई कोऑर्डिनेट मान लें, तो हमारे जो बी नॉट है वो हमारी एक इलेक्ट्रिक, हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ऊपर आ रही है, ठीक है, ये पूरे रीजन में है, मतलब ये हर जगह है, इस रिंग में भी, सारे रीजन में है, ठीक है। और इसमें एक बीड लगाई गई है, बीड का जो शेप होता है, जो इंटरनल क्रॉस सेक्शन होता है, वो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस तरह के वो पूरा मटेरियल से बनी हुई होती है और ये सब यहाँ पे एक होल टाइप का होता है, यानी कि यहाँ नॉर्मल किसी भी डायरेक्शन, ऊपर नीचे चारों तरफ में से किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है इसमें नॉर्मल, ठीक है, या तो इसके अलॉन्ग लग सकता है, इसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि जो हमारी बी है वो टाइम टी इक्वल टू जीरो से उसमें वेरिएशन शुरू हो गया है उसमें, ठीक है, विद द इक्वेशन बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस अल्फा टी, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। हमें एक चीज़ मालूम है, जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो ई इंटू टू पाई आर, जो हमारा रूप का रेडियस इस केस में सपोज कैपिटल आर है हमें दिया गया है, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, यानी कि ई एम एफ जो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ई एम एफ इंड्यूस कितना होगा, तो हम उसके लिए पहले फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है, बी नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी पाई आर स्क्वायर अल्फा, ये हो गया हमारा डी फाई बाई डी टी। अब हम इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर अल्फा, हम मॉड्यूलस इक्वेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन में तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो इसलिए हम मॉड्यूलस इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ सिर्फ मॉड्यूलस चाहिए, ठीक है। तो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास आर इंटू अल्फा बाई टू, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी बी नॉट क्या है, इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी हमारा आउटवर्ड है और इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस सेंस में, इस सेंस में इसलिए होगी कि हमारे अंदर जो करंट की जो डायरेक्शन आना चाहिए वो इस तरह आना चाहिए कि हमारा वो जो बी नॉट में है जो चेंज है वो रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि लेंज़ लॉ यही कहता है ना कि फ्लक्स में चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये होगी हमारी फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब हमारी जो बीड है उसका चार्ज है क्यू और मास है एम, ठीक है, क्यू कॉमा एम, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें फोर्स लगाना शुरू करेगी, फोर्स लगाना जैसे ही शुरू करेगी तो इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा और ये घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है, ये जो बीड में जैसे ही घूमना शुरू हो जाएगी तो इसमें कॉन्टैक्ट तो बनेगा ये रिंग के साथ, ये रिंग का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी, जो ये रिंग की पतली सी वायर है इसका और बीड का एक मतलब कॉन्टैक्ट तो बनेगा ही, तो उस कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइम के साथ फंक्शन क्या होगा हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं, इसमें क्यू ई फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियली, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टेंजेंशियल होती है, ठीक है, और इसका एक एक्सेलरेशन आ गया होगा एम, सॉरी इसका एक एक्सेलरेशन आ गया होगा ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास क्यू ई बाई एम, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट है क्योंकि आप इसमें हर क्वान्टिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ई भी हमारा आर अल्फा बाई टू एक कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है, और अल्फा हमारा पॉजिटिव है क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि अल्फा इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हम किसी टाइम टी के बाद देखते हैं कि ये किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, ठीक है, या फिर किस वेलोसिटी से घूमने लगता है इस रिंग के अक्रॉस। तो वी आफ्टर सम टाइम टी क्यू ई एम टी, ये इसकी हो जाएगी हमारी क्या, वेलोसिटी कुछ टाइम टी के बाद, ठीक है। अब जो जब ये वेलोसिटी से घूमने लगेगा तो हमें एक फार्मूला होता है एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है किसी वेलोसिटी वी से तो उस पर फोर्स कितना लगता है, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, ठीक है, ये हमारे पास इससे एफ बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ से देखें, जब ऐसे टेंजेंशियली घूम रहा है तो हमारी जो वेलोसिटी भी होगी वो भी इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम उस पर फोर्स लिखने की कोशिश करते हैं, तो जब वो सपोज इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी वी है और बी हमारी ऊपर की तरफ आ रही है, तो वी क्रॉस बी को जब हम यूज़ करेंगे तो वी क्रॉस बी, यानी वी क्रॉस बी मतलब फोर्स हमारा
इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, सेंटर के टूवर्ड्स लग रहा है, सेंटर के अपोजिट नहीं, सेंटर के टूवर्ड्स लग रहा है, ठीक है हमारा फोर्स। तो हम इस केस के लिए एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज उस केस में जो हमारी ये बीड थी, इसमें कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एन इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो हम कोई भी डायरेक्शन लेंगे, वो क्या है हमारा मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन आ जाएगा, हमने गलत डायरेक्शन ली होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या लग रहा होगा, एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, और ये हमें रिजल्टेंट दे रहा होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन लिखते हैं हम, एफ बी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो एफ बी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। एफ बी हमारे पास कितना है, क्यू वी बी, ठीक है, क्योंकि सब परपेंडिकुलर है, इसलिए एफ बी हमारे पास होगा क्यू वी बी, क्यू इंटू वी इंटू बी, बी है हमारा बी नॉट प्लस अल्फा टी इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, इंटू एन। हमारे पास वी की वैल्यू कितनी आ रही थी, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ई की वैल्यू है हमारे पास आर अल्फा बाई टू, ठीक है। अब ये पुट कर देंगे हम, ये हमारे पास आ गई वी की वैल्यू, ठीक है। जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर आर अल्फा बाई टू एम बी नॉट प्लस क्यू स्क्वायर आर अल्फा स्क्वायर टी बाई टू एम माइनस एम बाई आर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉर्मल, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर आर अल्फा बी नॉट बाई टू एम, यहाँ से आर से आर कैंसिल एम से एम कैंसिल, तो ये हमारे पास ये फाइनली ये इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आती है वो आती है क्यू स्क्वायर आर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर एम, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम फोर एम कॉमन ले लेते हैं, फोर एम कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास क्यू स्क्वायर आर अल्फा भी यहाँ से कॉमन आ गया हमारा, तो क्यू स्क्वायर आर अल्फा कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से टू का टू तो टू बी नॉट प्लस अल्फा टी, तो हमारा फाइनली जो आंसर आया वो आया क्यू स्क्वायर आर अल्फा टी इंटू टू बी नॉट प्लस अल्फा टी बाई फोर एम, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ में एक टी भी इंटू में रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वी में क्यू यू आर अल्फा बाई टू एम इंटू टी आ रहा था हमारा, तो यहाँ पर हमारा एक टी भी साथ में एक्स्ट्रा रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ बी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।